अभी 5:00 का ट्रेन है मेरा, ट्रेन बुक कर दिया हूँ, और थोड़ा काम था, कुछ आइटम्स लेने का था, इसलिए अर्जेंट अर्जेंट में आ गया हूँ, अभी निकलना है, लेट हो गया पहले। अब जल्दी जल्दी रूम पर जाके, ऑलरेडी पूरा पैकिंग हो चुका है, थोड़ा आइटम्स बाकी है, और थोड़ा आइटम्स लैपटॉप वगैरह सब है वो बैग में रख के सीधा निकलना है, 5:15 के अंदर पहुँच जाना है। सभी पैक हो गया, सब रेडी हो गया, 3:15 हो गया और 5:15 का बस है, तो अभी मैं कैब बुक करके निकल रहा हूँ अभी, और महेश और तरुण छोड़ने आ रहे हैं नीचे ऑटो तक, अभी इधर से निकल रहा हूँ। मिलते हैं, हाँ मिनट से आने के लिए, उसके बाद सीधा मजिस्ट्रिक जाऊँगा, मजिस्ट्रिक से उधर। अब मैं 3 को निकलने का प्लान किया था, 3:49 हो गया और 5:15 को ट्रेन है, वो पता नहीं ट्रेन के वो टाइम के अंदर ही पहुंचना है, किसी भी हालत में पहुंच जाऊँगा लगता है, फिर भी मेट्रो आने वाला है। फोर 29 हो गए और 5:15 को ट्रेन है, फिर भी करेक्ट टाइम पर पहुँच गया, बहुत जल्दी भी नहीं पहुँचा, बहुत लेट भी नहीं पहुँचा। टेन है लास्ट प्लेटफॉर्म है बोला, ओ ये लगेज उठा के जाना तकलीफ होता है। एक्चुअली मेरा कैमरा का बैक कैमरा में है ना वॉइस रिकॉग्नाइज नहीं होता, तो कुछ क्लिप्स थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब कुछ स्टोरी था, लेकिन उधर वॉइस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, इसलिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं बैंगलोर से इधर आ रहा था तब एक सीन आएगा, मैं इसमें ऐड कर दूँगा। भोगी में कुछ धूल वगैरह बहुत भरा था, धुआं जैसा फुल भरा था, तब सब लोग डर के उधर इधर इधर उधर भाग रहे थे, और सब लोग बोल रहे थे विंडो ओपन कीजिए वो कीजिए, और सब लोग डर रहे थे उधर जा रहे थे, सब लोग बोल रहे थे आग लगा है वो लगा है, सब बोल के डर रहे थे। फिर लास्ट में बाद में पता चला कि वो ट्रेन बहुत फास्ट थी, सो उसका अंदर बाहर का सब धूल जो था वो अंदर आ रहा था, कुछ अलग एक्सपीरियंस, मतलब कुछ डर जैसा लगा, और ट्रेन भी बहुत ब्रेक मार रहा था, लेकिन ट्रेन स्लो होने का मुझे नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने क्या सोचा शायद ट्रेन का ब्रेक कुछ फेल हो गया था, वो सोचा मैं, और सब लोग बहुत डर गए थे। फिर जाके पता चला कि कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ धूल अंदर आ रहा था। गुड मॉर्निंग, कल मेरे नेटिव को मैं कल आ गया था और उसका भी ब्लॉग किया था, लेकिन आधे तक में ही मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया कम्प्लीट, क्योंकि मेरा चार्जर भी डैमेज हो गया था, इसलिए चार्ज भी नहीं कर पाया, सो मोबाइल भी डैमेज हो गया था, सो ब्लॉग भी क्लियर से कम्प्लीट नहीं कर पाया, थोड़ा थोड़ा बीच में किया था,
उसका छोटा छोटा क्लिप से मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग था आने का, और पहली बार मैं ट्रेन में आया था, सो एक्सपीरियंस अलग ही था।